नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हर खबर पंजाब और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कोटकपुरा के निकटवर्ती गांव के बाजारों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीद व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं, लेकिन पंजाब सरकार इससे पूरी गंभीरता से निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंडियों में खरीद करने वाले आढ़तियों, लिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट, मंडी मजदूरों और अन्य श्रमिकों की भी प्रशंसा की, जो मंडी में धान की खरीद के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र को अपनी साथ ही कोऑपरेटिव घरानों का सौंपना चाहते हैं, लेकिन वह किसानों और अन्य लोगों के कृषि विरोधी तीन काले कानून को रद्द करने के प्रयास से नाराज हैं। हलका कोटकपुरा के पिड्डे कला मंडी के खड़ा, जिथे कि झोने की खरीद बाद दस्तूर बहुत वधिया तरीके चल रही है। क्यों जी, ठीक चल रही है? ठीक है, कोई दुख तकलीफ वाली? सो हलका कोटकपुरा दियां मंडियां, मैं कई मंडियां जा चुका, बड़े मैनू मन में तसली हुई। और मार्केट कमेटी कोटकपुरा के अज जी 16,62,000 गट्टे की आमद हुई सी हुण तक, ते उहदे विचों 13,60,000 गट्टे की खरीद हो चुकी है, ते लिफ्टिंग 6,94,000 गट्टे की लिफ्टिंग हो चुकी है। तो यह बहुत वधिया तरीके नाल चल रहा है। मैं पंजाब सरकार का धन्यवादी हाँ और सारे किसानों का, साढ़े जिहड़े मिलर्स का, साढ़े जिहड़े ट्रांसपोर्टर है, साढ़े जिहड़े मजदूर है, साढ़े टोले है, उन्हां सारा का धन्यवादी हाँ जिन्हां ने बड़े मुश्किल समय दे विच, जदों केंद्र सरकार साढ़े नाल उह बदला लैण वाले जिहड़े राउंड दे विच लगी हुई है, वह तीन काले कानून और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब चंडीगढ़ से आ रही है। पंजाब में लिफ्टिंग पकड़ रही है जोर, 4LMT के पार पहुंची लिफ्टिंग का आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 अक्टूबर को 2,288 मिलर्स करेंगे लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का आंकड़ा 5LMT के पार पहुंचने के आसार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, पंजाब में लिफ्टिंग पकड़ रही है जोर, 4LMT के पार पहुंचा लिफ्टिंग का आंकड़ा। 28 अक्टूबर को 2,288 लिफ्टर करेंगे लिफ्टिंग। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, 4LMT के पार पहुंचा लिफ्टिंग का आंकड़ा। 28 अक्टूबर को 2,288 लिफ्टर करेंगे लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का आंकड़ा, 5LMT पहुंचने तक के आसार। पायल विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बल मिला, 200 से अधिक नौजवानों ने विभिन्न पार्टियों को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने इन्हें पार्टी में शामिल किया। विधायक ने कहा कि ये सभी नौजवान सीएम भगवंत मान की नीतियों से खुश होकर आए हैं। इस दौरान विधायक ग्यासपुर ने कहा कि बहुत सारे सियासी दल नौजवानों का दुरुपयोग करते हैं, नौजवानों को सही रास्ते पर चलने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं करता, लेकिन आम आदमी पार्टी नौजवानों को सही रास्ते पर लेकर जाएगी। अज कढ़ाणी पिंड दे विच सनी बोपाराए ते हरमन बोपाराए इन्हां दी अगवाई दे विच अज तकरीबन 200 तों वध नौजवान ने जिहड़े ओह आम आदमी पार्टी च शामिल होए ने। शामिल साडे भरा ने, साडे बच्चे ने। और देखो, नौजवानां दी हरेक पार्टी नूं लोड़ आ, नौजवान पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी हुंदे आ। और इन्नी वड्डी गिणती दे विच साडे जिहड़े सरपंच ने कढ़ाणी दे गुरिंदर सिंह जी, और नौजवान ने इन्हां नूं सरपंच बनाया पिंड दे, ते इन्हां ने सारे नौजवानां नूं प्रेर के अजे पार्टी दे विच लैके आए ने, तां कि असीं जिथे जिथे असीं चाहुंदे आ कि पार्टी अगे वधे, उत्थे असीं इह वी चाहुंदे आ कि जिहड़े साडे नौजवान ने इह वी अगे वधण। इन्हां नूं कारण तां इही है, सरदार मनविंदर सिंह जी ग्यासपुरा साडे हलके दे माणयोग विधायक, इन्हां दीआं नीतियां तों ते सरदार भगवंत सिंह जी मान उन्हां दीआं नीतियां तों खुश हो के नौजवान आप मोहरे अज आम आदमी पार्टी विच शामिल होए ने।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਚਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆ ਸਾਡੀ ਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਗੀੜਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ ਜੀ। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, आप कर सकती है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, दिवाली के बाद आप कर सकती है ऐलान, हिंदू चेहरे पर आप खेल सकती है दाव, सीएम मान और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से आ रही है, दिवाली के बाद आप कर सकती है ऐलान, हिंदू चेहरे पर आप खेल सकती है दाव, सीएम मान और पूर्व सीएम कर सकते हैं मुलाकात। चंडीगढ़ सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, आप कर सकती है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, दिवाली के बाद आप कर सकती है ऐलान, हिंदू चेहरे पर आप खेल सकती है दाव, सीएम मान और सीएम केजरीवाल करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, आप कर सकती है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वडिंग ने श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार गैनी रखविंदर सिंह को पत्र लिखकर उनके बयान के लिए माफी मांगी। अमरिंदर राजा ने पत्र लिखकर माफी मांगी है। आपको बता दें कि अमरिंदर राजा वडिंग ने पत्र लिखकर माफी मांगी है। जथेदार ज्ञानी रघुवीर जी से माफी उन्होंने मांगी है, पत्र लिखकर उन्होंने माफी मांगी है, अपने बयान पर माफी मांगी है उन्होंने, पत्र लिखा है जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के प्रधान चुनाव आज हैं। इन चुनावों में शिरोमणि अकाली दल SAD से अलग हुआ बागी गुट भी मैदान में है, जिसके बाद इन चुनावों में तनाव बढ़ चुका है और मुकाबला कड़ा है। अकाली दल ने जहां पूर्व प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पर विश्वास जताया है, तो वहीं बागी गुट ने बीबी जागीर कौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अकाली दल के बागी गुट के तेवर अभी भी कड़े हैं। बेबी जागीर कौर का दावा है कि उन्होंने अपने नेतृत्व के पक्ष में वोट हासिल करने के लक्ष्य के साथ लगभग 125 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन और फन जोन ने जालंधर में गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। जहां एनजीओ के सदस्य द्वारा बच्चों को मिठाइयां और उपहार दिए गए, वहीं एनजीओ ने बच्चों को 10 मिनट में मोमबत्तियां बनाने का तरीका भी बताया। वहां मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी बच्चों ने दिए रंगे और मोमबत्तियां बनाई, उन्हें एक कला भी दी गई ताकि आने वाले समय में ये बच्चे मेहनत करके भी रोटी खा सकें। अज का साडा एक बहुत वड्डा उपदेश है। देखो असी जो दिवाली सैलीब्रेशन होगी, लोहड़ी की सैलीब्रेशन होगी, इदा की कोई भी त्यौहार आता ना, बहुत सारी संस्था असं भी कई सालों तो जाने बच्चों गिफ्ट देने, फोटो खिंचाने आ जाने, आप भी अपने आप को हाईलाइट करते हैं सारे। चलो हाईलाइट करना कोई माड़ी गल नहीं है, चंगी गल आ, वो बदले के असं गिफ्ट के राही खुशी दे के आने, बट खुशी बहुत टिकती नहीं हैगी। अज एक साडा मकसद है कि बच्चों गिफ्ट देने दे एक इन्हों ऐसी चीज़ गिफ्ट करिए जो इन्हें फ्यूचर च कम आए। वो असी इन्हों उस रूप से कर रहे हैं कि कैंडल मेकिंग का एक असी प्रोग्राम किया जिद टीचर्स आए हैं, बच्चों कैंडल मेकिंग सिखाएंगे कि वो इन्हों के हाथ एक हुनर आ जाएगा, कि उस हुनर के राही इन्हों कल किसी भी मजबूरी के तहत इन्हों किसी के अगर मंगना नहीं पेगा, भीख मंगने वाले पास बच्चे नहीं तुरंगे।
बरनाला जिले के चुनाव में जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने वोट के लिए जोर लगा रही हैं, वहीं पंजाब के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 14 सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर आदर्श स्कूल कर्मचारी संघ शांतिपूर्ण तरह से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मांग करने वाले कर्मचारी संगठन के नेताओं ने बताया कि वे पिछले 14 सालों से अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कई सरकारों की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी जा रही। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी उनकी मांगे मानने का दावा किया था, जिसको लेकर उनका कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और ना ही वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मिल पा रहे हैं। इसी के विरोध में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बरनाला स्थित गुरमीत सिंह मीत हेयर के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान मांगे पूरी कराने पहुंचे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। साड़ी जिहड़ी कोई मंग है कि असी 14 सालों तो निर्वघन जिहड़ियां हैगियां ने आदर्श स्कूलों के अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। कह लो वड्डी गिनती दे विच 1000, 1400, 2000 तक असी जिहड़े स्टूडेंट्स नूं CBSE पैटर्न दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जिहड़ी है प्रोवाइड कर रहे हैं। पर कह लो भी साड़ी जिहड़ी फाइल है वह CM साहब दे टेबल ते पई है। सानू जदों भी मीटिंग्स साडियां CM साहब नाल भी हुई हैं, साडे जिहड़े सिक्ख्या मंत्री साहब जी नाल भी हुई हैं, वह इहो सानू जवाब दिंदे आ कि जिहड़ी फाइल ते जिहड़ा ग्रीन पेन चलना है। अजीतपाल सिंह जसवाल, असीं पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब वालों पंजाब दे विच होण जा रही आ 4 जूनी चोणां दे विच पुरानी पेंशन बहाली दा जो साडा नोटिफिकेशन जारी होया आ, पर उसदी SOPs नहीं जारी होईआं हैं। वह पंजाब सरकार जिहड़ी गूंगी ते बोली ते सुत्ती पई आ, उस नूं ते कन्नां दे विच पाउण दे लई ते उस सुत्ती नूं जगाउण दे लई अज बरनाले दी धरती दे उत्ते अपना बहुत वड्डा इकट्ठ कीता वा, जिहदे विच असीं इह गल मीत हेयर दी कोठी दे मूहरे आ के रखी आ कि साडा जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी कीता होया पुराणी पिंड संभाल करन दे लई, उस पुराणी पिंड संभाली दे नोटिफिकेशन दीआं जो उहदे नाल संबंधित SOPs ने। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धान खरीद, DAP और पराली के मुद्दों को लेकर दोनों मोर्चों से घोषित अनिश्चितकालीन चक्का जाम दूसरे दिन में प्रवेश कर दिया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि CM दिल्ली गए और कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय और JP नड्डा से बातचीत की है, लेकिन विक्रेता और केंद्र अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। पंजवा मोर्चा बठिंडे बाईपास से भी लगा होया वा, अज इत्थे ही KMM दे सारे पंजाब दी लीडरशिप ते साडे दूजे मोर्च दे साथी भी पहुंचणगे, इत्थे मीटिंग करके अगली रणनीति तय करांगे। और अज दूसरे दिन भी तुहानू पता पिछे मोर्चा साडा चल रहा वड्डी पद्धर ते किसान इत्थे आए हुए ने, और कल दिल्ली दे विच किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। संगरूर के बंदरूखा में भी किसानों ने हाईवे बंद कर दिया। रात में भी किसान सड़क पर, किसानों ने पूरी रात सोकर बिताई है। जैसे ही किसानों ने ऐलान किया था कि आपातकालीन सेवाओं के लिए सड़कें खुली रहेंगी, इसी तरह से देखा जा रहा है कि अगर किसानों को किसी की शादी में जाना हो या किसी के दवा लेने जाना हो या अन्य काम से जाना हो तो उन्हें पास दिया जाता है। एक तो जिहड़े स्कूली बच्चे ने जी, स्कूल वाली बैन कोई नहीं सी हो कीती जी, बाकी मेडिकल वाले ने जां कोई भी बीमार जां एंबूलेंसां जांदियां ने वो सारे लंघाई जांदे ने जी। किसान कोई जीरी दी बढ़ रहा, जीरी दी भर के ट्राली ने दो लंघाई जांदे जी। एयरपोर्ट ते जा रहा कोई, उहदी डेट मिथी हुंदी आ वी कोई अग्गे पिछे ना हो जाए, नुकसान ना किसी दा होवे, वो लंघाई जांदे जी। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। खबर अमृतसर से है जहां बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया और विदेश में रहने वाले ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह नव भुल्लर के दो साथियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 105 किलोग्राम हेरोइन, 31.93 किलोग्राम कैफीन,
17 किलोग्राम डीएमआर, 5 विदेशी पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। अमृतसर में आम चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आम चुनाव हो रहे हैं, हम पंजाब में चारों आम चुनाव जीतेंगे। उन चुनावों में आम आदमी पार्टी जीतेगी और उसके बाद बाबा नानक और मैं प्रभारी रहूंगा। हमने ये सीट जीतकर सीएम साहब को दे दी है। हमारी पार्टी को लोकसभा में बहुत ही कम वोट मिले थे और हम रनवाबाजी के निजी क्षेत्र में के कारण हार गए थे। दो परिवारों का पुराना कब्जा, वो पुराने रीति रिवाज खत्म हो गए हैं। अब पहली लड़ाई दो परिवारों के बीच थी, कहलाऊ और रंधवा परिवार में। अब लोग जो बीती बातें हैं वो भूल गए हैं और नए लोगों को आगे आना चाहिए। जिमनी चोन हो रही है, जितने चाहे जिमनी चोन जितेंगे पंजाब जमा दे आम आदमी पार्टी जितूगी और डेरे बाबे नानक इंचार्ज लाया सू सी एम साहब ने वह भी जित के देंगे वधिया। थोड़ा ही लोग सभा च भी बहुत वधिया प्रदर्शन ही साडी पार्टी का, थोड़िया ही वोटा ते असी हरे सीगे क्योंकि वह तंदाबाजी का अपना निजी हलका उहदे करके, बट हुण मतलब जिहड़ा उहनां नूं वड्डी लीड दे नाल हरा देणा। एक पासे अलवी साहब दे फैमिली मैंबर ने, एक पासे कानू साहब ने, किस तरीके दा वेख रहे हो? नहीं नहीं, वह दो परिवारों का पुराना कब्जा ही, वह पुरानियां रीतां खत्म हो गईआं। हुण पहला लड़ाई दो परिवारों की, कल रंधावा परिवार च, हुण लोग उन्हां चीज़ां नूं भुल गए। लोग समझदे आ कि नवे लोग अगे आने चाहीदे आ। सारे पंजाब च लोगों ने चीजा रद्द करतिया, डेरे बाबे नानक जी चीजा रद्द। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को कहा कि पंजाब में धान खरीद की रफ्तार धीमी है। उन्होंने इसके लिए राज्य की आप सरकार पर निशाना साधा और तैयारियों को अप्रभावी तथा कमजोर बताया। बिट्टू ने आम आदमी पार्टी आपके इन आरोपों को खारिज किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब से खदान भंडार नहीं निकल रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि राज्य में ताजा फसल के भंडारण के लिए आवश्यक जगह से दुगनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप के लिए पंजाब के राज्यपाल से मिलेंगे। जिहड़ा कि बहुत बड़ा पंजाब दे विच सड़कां बंद ने, हाहाकार पंजाब दे विच नलायक सरकार आम आदमी की इमच्योर, इन्हां दी मंत्रीमंडल, इन्हां दी सारी लीडरशिप जिन्हें पंजाब च अज हाहाकार मचाया। नाल दियां स्टेटां ने, हरियाणा भी नाल चल रहा, नाल यूपी च भी चल रहा, कोई दिख रहा जा हालात जिहड़ी हुई है? जिथे जिथे एफसीआई खरीद करती है, जिथे जिथे फूड महकमा खरीद करता, किते भी यह जी चीज हैगी है जिहड़ी आ पंजाब च हो रही है? डीजीपी पंजाब ने पुलिस स्टेशन रामा मंडी जालंधर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाने के कामकाज की प्रत्यक्ष समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं अपने दौरे के दौरान डीजीपी ने पुलिस मैस का भी जायजा लिया और वहां मौजूद कर्मचारियों से मुलाकात की। चार मुलजिम जिथों के भी रहने वाले हैं, उत्थे इंफॉर्मेशन आती है। अमृतसर में अब तक डेंगू के 30 और चिकन पॉक्स के 23 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य प्रशासन ने अमृतसर सिविल अस्पताल में 6 बिस्तरों वाला डेंगू वार्ड स्थापित किया है और सभी उपचार मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। अमृतसर सिविल अस्पताल की एसएमओ डॉक्टर रश्मि विज ने कहा कि स्वास्थ्य प्रशासन ने डेंगू के से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं और उन्होंने सिविल अस्पताल में एक डेंगू वार्ड भी बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है और उनके पास डेंगू के मरीजों के इलाज की सभी सुविधाएं हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि, मैं एसएमओ हां सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਨ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਡੈਂਗੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਡਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡੈਂਗੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ NS1 ਐਂਟੀਜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਲਾਈਜ਼ਾ ਵਾਲੇ पंजाब के खेलों में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली नेहा शर्मा आज अमृतसर पहुंची जहां उन्होंने इस पहल के लिए पंजाब सरकार को धन्यवाद दिया और प्रशिक्षण देने के लिए अपने कोच को भी धन्यवाद दिया और कहा कि पंजाब की लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। मैं उन पुराने विचारों को बताना चाहती हूं कि जो महिलाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में खेलने की इजाजत नहीं देती और महिलाओं की आंतरिक समस्याओं का हवाला देकर उन्हें गुमराह करते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उन्हें झूठे प्रचार से बचने की आवश्यकता है। नेहा शर्मा, हाँ जी, ये खेल मेला मतलब पंजाब दियाँ जो है बठिंडा विच होया थी, ये इस साल तीसरा जड़ा है मतलब कि कॉम्पिटिशन है ते इहदे विच मैं सिल्वर मैडल लैके आई हाँ। अमृतसर जो सिलेक्ट हुई थी कितनियां कुड़ियां सिलेक्ट हुईयां कितने बैठे? हाँ जी, अमृतसर पहले डिस्ट्रिक्ट लैवल ते होया जिहदे विच मैं 84 वेट कैटेगरी दे विच सिलेक्ट हुई हाँ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ? ਟੋਟਲ 6 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਗੇਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਤੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਅ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, 6-7 ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਟਫ ਸੀ। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।